हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सभी सही होंगे। दोस्तों, मेरा नाम है ललित करनवाल और आप मेरा चैनल देख रहे हैं स्टडी विद ललित करनवाल। दोस्तों, आज अब मैं आपके लिए लाया हूँ उत्तराखंड जीके के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपकी परीक्षा उपयोगी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों, अगर आप भी उत्तराखंड फॉरेस्ट गार्ड वीडियो वीपीडीओ आदि परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों, आज मैं आपके जीके के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया हूँ जो कि आपकी परीक्षा में देखने को मिल सकते हैं। तो आइए चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। दोस्तों, इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, उत्तराखंड भारत का कौन सा राज्य है। ऑप्शन नंबर ए 22वां, बी 11वां और सी 27वां और डी 28वां। तो दोस्तों, इसमें हमारा सही उत्तर हो जाएगा 27वां। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, इसमें हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है, उत्तराखंड उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है। ऑप्शन नंबर ए नैनीताल, बी देहरादून, सी अल्मोड़ा और डी श्रीनगर। तो दोस्तों, इसमें हमारा सही उत्तर हो जाएगा नैनीताल। तो दोस्तों, जरूरी नहीं है कि सभी चीज़ देहरादून में हो, कुछ चीज़ें अलग अलग राज्य में भी होती है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, इसमें हमारा तीसरा जो क्वेश्चन है, राज्य उच्च न्यायालय में अध्यक्ष सहित न्यायाधीशों की कुल संख्या है। ऑप्शन नंबर ए 11, बी 7, सी 13 और डी 8। तो दोस्तों, इसमें हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 8। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, इसमें हमारा जो चौथा क्वेश्चन है, उसमें हमारा निम्न में से कौन गढ़वाल मंडल में नहीं है। ऑप्शन नंबर ए उत्तरकाशी, बी रुद्रप्रयाग, सी बागेश्वर और डी पौड़ी। तो दोस्तों, इसमें हमारा सही उत्तर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी बागेश्वर। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। ऑप्शन नंबर ए एनडी तिवारी, बी भगत सिंह, सी स्वामी नित्यानंद स्वामी और डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसमें हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नित्यानंद स्वामी। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पंचायती राज संशोधन अधिनियम 2008 के अंतर्गत पंचायतों में महिलाओं के आरक्षण की सीमा है। ऑप्शन नंबर ए 30%, बी 33%, सी 40% और डी 50%। तो दोस्तों, इसमें हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 50%। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है, मोनाल पक्षी किस ऊंचाई तक मिलती है। ऑप्शन नंबर ए 8000 फीट से 9000 फीट तक, और बी है 8000 से 10000, सी है 8000 से 14000 और डी है 8000 से 20000 फीट। तो दोस्तों, इसमें हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 8000 से 20000%। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, इसमें हमारा 8वां क्वेश्चन है, ब्रह्म कमल किस देवता को चढ़ाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए राम, बी कृष्ण, सी शिव और डी विष्णु। तो दोस्तों, इसमें हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी शिव। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, इसमें हमारा 9वां क्वेश्चन है, 2011 में राज्य में सृजित नया विभाग है। ऑप्शन नंबर ए सुजात भ्रष्टाचार उन्मूलन व जनसेवा, बी खेल एवं पर्यटन, सी आपदा प्रबंधन एवं जन और डी उच्च शिक्षा आयोग। तो दोस्तों, इसमें हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सुजात भ्रष्टाचार उन्मूलन जनसेवा। आइए चलते हैं 10वें क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, इसमें हमारा 10वां क्वेश्चन है, राज्य विधानसभा की पहली उपाध्यक्ष है। ऑप्शन नंबर ए विजया भड़थवाल, बी अमृता रावत, सी वीना महाराणा और डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसमें हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विजया भड़थवाल। दोस्तों, इसमें हमारा 11वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें हमारा 11वां क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तराखंड की दूसरी राजभाषा है। ऑप्शन नंबर ए संस्कृत, बी कुमाऊनी, डी गढ़वाली और डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, इसमें हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए संस्कृत। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उत्तराखंड की द्वितीय राजभाषा है। ऑप्शन नंबर ए उर्दू, बी संस्कृत और डी सी अंग्रेजी और डी पंजाबी। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी संस्कृत। तो दोस्तों, इसमें इस तरह से पता कर सकते हैं कि उत्तराखंड की द्वितीय राजभाषा क्या है या उत्तराखंड की दूसरी राजभाषा क्या है। तो दोस्तों, उत्तर हमारा वही होगा, क्वेश्चन चेंज हो जाएगा हल्का सा। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, इसमें हमारा 13वां जो क्वेश्चन है,
सूचा सुमेलित कर सही उत्तर चुने। तो दोस्तों उसमें ऑप्शन नंबर ए है हवाला बाग, जिला उत्तरकाशी, बी डूंडा नैनीताल हो गया इसका जिला, और सी है ओखलकांडा जिला हो गया हरिद्वार, और डी है खानपुर जिला हो गया अल्मोड़ा। तो दोस्तों इसमें हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हरिद्वार। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों इसमें हमारा जो 14वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड के सर्वाधिक व सबसे कम क्षेत्रफल वाले जिले हैं। ऑप्शन नंबर ए चमोली व रुद्रप्रयाग, बी चमोली व चंपावत, सी उत्तरकाशी व रुद्रप्रयाग, और डी है उत्तरकाशी व चंपावत। तो दोस्तों इसमें हमारा सही उत्तर हो जाएगा चमोली व चंपावत ऑप्शन नंबर बी। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 है, क्षेत्रफल के घटते क्रम के आधार पर राज्य के निम्न जनपदों में सही है। ऑप्शन नंबर ए उत्तरकाशी, चमोली, पौड़ी, पिथौरागढ़, नैनीताल, और ऑप्शन नंबर बी है उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, पौड़ी, नैनीताल, और ऑप्शन नंबर सी है चमोली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, पौड़ी, नैनीताल, और ऑप्शन नंबर डी है चमोली, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, नैनीताल, पौड़ी। तो दोस्तों इसमें सी चमोली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, पौड़ी और नैनीताल। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राज्य की कुल 5 लोकसभा सीटों में से कितनी सीटें अनुसूचित जाति के लिए सुरक्षित है? तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर है एक, बी दो, सी तीन और डी चार। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एक। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों हमारा 17वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल थे? ऑप्शन नंबर ए श्री सुरजीत सिंह बरनाला, बी बी एल एल जोशी, और सी श्री सुदर्शन अग्रवाल, और डी श्रीमती मार्गेट अलवा। तो दोस्तों इसमें हमारे उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल है श्री सुरजीत सिंह बरनाला, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18, पंचायतों में महिलाओं के कितने प्रतिशत आरक्षण दिया गया है? दोस्तों इसमें मेरा ऑप्शन नंबर है 25, बी 30% और डी 33% और डी 50%। तो दोस्तों इसमें हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 50%। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों इसमें हमारा 19वां जो क्वेश्चन है, राज्य सेवा में SC ST व OBC को आरक्षण दिया गया है। 19 ऑप्शन नंबर ए 19.4 व 14%, बी 19.5 व 15%, सी है 17.5 व 13%, और डी है 18.4 व 14%। तो दोस्तों हमारा इसमें सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 19.4 व 14%, ये वाला ऑप्शन नंबर ए। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारे वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। दोस्तों इसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है, राज्य में भूतपूर्व सैनिकों व खिलाड़ियों को आरक्षण दिया गया है। तो दोस्तों ये परीक्षा उपयोगी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ध्यान से देख लीजिएगा। राज्य में भूतपूर्व सैनिकों व खिलाड़ियों को आरक्षण दिया गया है। ऑप्शन नंबर है 5 व 2%, बी है 5 व 3%, और सी है 5 व 4%, और डी है 4 व 4%। तो दोस्तों इसमें हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 5 व 4%। तो दोस्तों हमारी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और दोस्तों अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स दोस्तों।